अध्यक्ष महोदय, आप भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और ट्रिपल तिलाक के ऊपर पूरे महाराष्ट्र के अंदर मैं बोल रहा हूं, औरंगाबाद के अंदर मोर्चा निकला महिलाओं का, मालेगांव में निकला, बंबई में भी 31 मार्च को निकलने वाला है, पूना में निकला, जालना में निकला, 40 गांव, जलगांव, सभी पूरे राज्य के अंदर मोर्चा निकल रहे। क्यों निकल रहे, क्यों महिलाएं रोड पर आ रही है, कि जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो बिल ट्रिपल तिलाक का लाया है उसकी मुखालफत करने के लिए महिला आई है। लेकिन ऐसा वातावरण बनाकर जो बिल पेश किया, असल में उसके पीछे मैं ये लैंड ऑर्डर का प्रश्न है, मैं थोड़ा सी एक मिनट लगेगा मैं बोल दूं, विषय ऐसा है जो बिल आया है वो बिल क्या है कि किसी व्यक्ति ने एक मरतबा 3 टाइम तिलाक अगर बोल दिया किसी व्यक्ति ने, तो वो महिला पुलिस स्टेशन में जाकर बोलेगी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे 1 मरतबा 3 टाइम तिलाक बोल दिया, तो पुलिस क्या करेगी, उसको अटक कर लेगी, उसको बेल नहीं देगी, बल्कि कानून में यह प्रावधान करने जा रही है केंद्र सरकार कि वो 3 साल तक उसको सजा जेल में ही काटना पड़ेगा और उसके बाद भी तिलाक नहीं होगा। लेकिन प्रश्न यह है कि वो जेल में रहेगा तो उसके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कौन देगा, वो जेल में रहेगा तो उसका परिवार कौन चलाएगा, वो जेल में रहेगा तो उसका बच्चों के एजुकेशन का खर्चा कौन उठाएगा, और अगर उसके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिली तो फिर वो गलत रास्ते के ऊपर अगर चला गया तो फिर प्रश्न लाइन ऑर्डर के आते, फिर वो गलत रास्ते पे जाने की जवाबदारी भी सरकार पे होती। तो ये जो मोर्चे निकल रहे, तो ये भावना ये सरकार ने केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहिए। इसके लिए मैं आज आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इसके ऊपर जरूर आप केंद्र सरकार को अपनी बात पहुंचाएंगे।